सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं श्रेणीवास धाम पर। श्रेणीवास में देख सकते हैं तपती दोपहरी के बीच लगभग 40 डिग्री तापमान है और यहां पर देखिए ईंटों पर बैठकर किस तरह झाड़े का इंतज़ार कर रही हैं महिलाएं। हरियाणा के कोने कोने से पहुंची हैं, देख सकते हैं दोपहरी के समय 1 बजा है और महिलाएं इंतज़ार कर रही हैं। हमारी टीम आज श्रेणीवास की यात्रा पर है, पूरी यात्रा दिखाएंगे हम, बने रहिए डीएन हरियाणा के साथ। जहाँ पर सत्यनारायण भगत जी के द्वारा ओम मन्ना जो धाम है उसके माध्यम से झाड़ा लगाया जाता है, तो आज लोग पहुँचे हैं श्रेणीवास धाम में और इतनी भयंकर गर्मी के अंदर यहाँ लाखों की भीड़ आपको दिखाई देती होगी और जहाँ जहाँ तक मैं मेरे कैमरा मैन से कहूँगा कि एक बार वो दिखाएं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ गाड़ियाँ आई हुई, बहुत दूर से लोग आए हुए हैं और आज मिलवास में हमें आपको देख सकते भी है कि नहीं। राम राम तब राम राम बेटा राम राम। कौन सा गांव? गांव लोन है जी। लोन नरवाना। कितने चक्कर लगा लिए? चक्कर दूसरा टाइप का कुछ 50% है। बोलो पक्की बात। फीस कितनी है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। जमा बिल बिल्कुल देख जमा चढ़ा कड़िए पैसा। हाँ तो अभी आओगे बच्चा फिर हाँ दाम पर कैसा आना हुआ आपका यहाँ पर? तो जोर से बोलो। दर्द है भैया जी। दर्द है? पहले भी आए थे का जाए हो? नहीं एक बार पहले आई हूँ। फिर आराम हुआ कि नहीं? हाँ आराम है भैया, सोजन में भी आराम है, दर्द में भी आराम। सोजन भी थी आता में? हाँ ये सोजन है। सोजन थी उंगली उंगली अगर ये जो ज्वाइंट में सोजन थी? देख लो भाई ज्वाइंट में सोजन थी। आराम है। क्या नाम आपका? कहाँ से आए हो? टाणा कला से। जी दाम पर कैसे आना हुआ यहाँ पर आज? जी दर्द है, डिस्क की दिक्कत है। डिस्क प्रॉब्लम? हाँ पैरों में भी दर्द है। अच्छा पहली बार आए? हाँ पहली बार। कैसे पता चला था आपको? बस ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देखी सुना था, किसी ने बताया भी था। बताया था तो फिर विश्वास है? मतलब हाँ विश्वास है तभी आए। क्या नाम आपका? मोनिका। मोनिका आप कहाँ से आए? हमने भी यूट्यूब देखा था, सुनारिया से आए। सुनारिया गाँव से? ऐसे ही देखा था यूट्यूब पे कि आराम होता है, बहुत पता लग लगता है, मतलब हमें देखा कि हमें विश्वास हो गया, कहा चले हम भी देखते हैं आराम हो जाएगा। आज उनके विश्वास करके आए हैं, देखा आराम हो जाएगा। देखिए भाई विश्वास कर और कोई आ रहा है। सुनारिया गांव से आए थे? क्या नाम आपका? ये देख लो भाई सुनारिया गांव से आए थे। हाँ ताई क्यों करा रही है? अरे गोड्डे में दर्द है। गोड्डे में दर्द है? पहली बार ही? हाँ पहली बार आए। फिर आराम होगा? आराम हो वाड़े? अरे आराम होगा, उसे जब बताए सब आई जय ताई है। कितना आ रही है तुम? तेरा भी दर्द है? गोड्या में दर्द लेके आई है? आराम होगा विश्वास है, मतलब है रोहतक ताई थी? देख लो बताई रोहतक शादी खेड़ी ताई थी। आप कहाँ से आए बहन जी? सिसाई से। पहली बार आए हो या? पहली बार आए हो। कैसा, किसी ने बताया या फिर कोई वीडियो वगैरह देखे? नहीं बताया था किसी ने, हम ही आई थी पहले। अच्छा तो सिर में दर्द था? सिर में। आप पढ़े लिखे लग रहे हो मुझे, क्या इन चीजों में विश्वास रखते हो? विश्वास तो सर ऐसा है कि मतलब पहले तो नहीं था, लेकिन मम्मी आई थी, 2-3 बार आ चुकी है यहाँ पे, तो उनको आराम लगता है। मेडिकल का कोई ट्रीटमेंट आपने लिया? नहीं लिया। नहीं लिया था मेडिकल का, लेकिन कोई फर्क नहीं था, कोई खास विशेष नहीं मिला। और यहाँ आपको लग रहा है कि भी आपको लग रहा है, पहले से मतलब 50% लग रहा है? तभी उसके कहने से ही हम आए। कोई फीस वगैरह भगत जी के द्वारा नहीं? कुछ नहीं है। या किसी प्रकार का कोई दान चंदा? नहीं।
ठीक है। पानीपत से आए हो आप? हाँ जी। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या फिर? फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम है आपको? तो जैसे दर्द रहता है, पूरी बॉडी में पेन होता है, रहता। मैंने ट्रीटमेंट भी लिया डॉक्टर से लेकिन कोई आराम नहीं लग गया। तो मेरी यहाँ पे सिस्टर है, उसके ससुर जी आए थे जी, उनको भी मेडिकल प्रॉब्लम थी, तो यहाँ के वो ठीक हुए हैं दवाइयों से, टैबलेट से, उनको कोई आराम नहीं लग रहा था। लेकिन यहाँ आए हो जब से झाड़ा वगैरह डलवाया तो उसमें भी पता लग गया था किसी के थ्रू, तो यहाँ के उसको आराम लग गया। तो उन्होंने हमें भी बताया कि वहाँ चले जाओ, आप काफ़ी टाइम से बोल रहे थे लेकिन टाइम नहीं लग रहा था। फर्स्ट टाइम आज टाइम निकाल के आए हमको देखने के लिए कि जो बोल रहे हैं क्या सच्ची में सच है ये सब। आप लोगों ने कभी मेडिकल इलाज? हाँ जी करवाया, बहुत करवाया। तो फिर क्या पॉजिटिव रिजल्ट आया या नेगेटिव मिला है? नेगेटिव आज। तो यहाँ फर्स्ट टाइम आ पाए हो तो आपको लगता है कि भी उम्मीद है आप के भी? जी अभी तक तो देखो कोई झाड़ा वगैरह लगवाया, वेट कर रहे, लेट हो गए थे, तो उसके बाद देखते हैं कि आराम लगेगा या नहीं। चलो शुक्रिया। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़े हुए हैं तो उनसे मिलवाते हैं। नमस्कार, आपका क्या नाम है, कहाँ से आप आए हो? भवानी खेड़ा से आए हो। तो ऐसा इतनी भयंकर धूप में आपको क्या अनुभव लगा कि आप यहाँ आए हो? कभी आपका कुछ समाधान हो जाएगा? कंधा से आए क्या तक है? ऐसे ने आप बताया या किसने? तो इसी बीच साथ है जी और रहता है यही होली बढ़िया। मेरे शिष्य भाग की एक बार ताई से मिलता है, राम राम शिष्य भवानी खेड़ा तारीफ की। तो अब कितने लग रहा है कि दस का हराम इस पर हराम आपने डॉक्टर नहीं दिया? जीप तो बता दी थी बॉडी फाइव और यहाँ पर लोगों ने खूब लिया डॉक्टर दवाई, तो फिर दवाइयों को यह सुनो नहीं था मंत्रा में तो नहीं एक घंटे में ले लूँ। अच्छा, और आपने सुनी है जगह पर? अच्छा, तो आज आपको देखते हुए तीसरा तीसरी बार आए कर।